नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की डेट में क्या है कि हर जगह ये हमारे कमेंट्स, जो हमारे चैनल पे कमेंट्स आते हैं, वो कमीशन कम पड़ेगा और घाटा हो रहा है, ये सब की जो है ना सरकार के प्रति सैलरी होनी चाहिए, इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं इस विषय और आज की स्थिति। ये तो मैं जानता हूँ कि कमीशन बहुत कम है, उससे गुजर नहीं होती और दिक्कत है कोटेदारों को, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे अपने अगर ब्लॉक की बात करें कि जो लगातार उसको मैनेज करने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया से मैनेज भी कर रहे हैं, और इस कोरोना काल में कितने ढंग से वो कर पा रहे हैं, मैं इसका आज पूरा जीता जागता, क्योंकि ऐसा होता है मैं अगर आपको समझाऊँ तो वो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं उसको डेमो आपको दिखाऊँगा, ये दिखाऊँगा कोई कैसे करता है, तो ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं आज इसी विषय पर यहाँ आया हूँ। ये शुक्ला जी हैं, अमन शुक्ला जी, ये कोटा है हमारे गांव, हमारे ब्लॉक में। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर ओहो हाँ ठीक है सर 98 ठीक है ठीक है तो हम यहाँ पर आए हैं, ये हैं अमन शुक्ला जी, इनकी माता जी यहाँ कोटेदार हैं और ये उनका पूरा देखरेख करते हैं बहुत बढ़िया से। मैं जितने भी बार आया मैंने यहाँ पब्लिक को एकदम 100% संतुष्ट पाया है, और उसके बाद में इनकी मृदु भाषा, इसकी तो विशेषता मैं बता ही नहीं सकता आपको। अब आप मिलोगे या जो लोग जानते हैं हमारे यहाँ ब्लॉग में, वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जैसे बहुत से हमारे कोटेदार कहते हैं कि हमको 3 आदमी रखने पड़ते हैं, 5 आदमी रखने पड़ते हैं तुलाई के लिए, तो मैंने इनकी ये विशेषता देखी है कि ये 2-2 कार्डों को निकालते हैं, इतनी फुर्ती से काम करते हैं, और ये स्वयं ही सारा यानी लगभग में ये पर मंथ 800 कार्डों का वितरण करते होंगे, और वो स्वयं अकेले करते, कोई बच्चा अगर घर में कोई है बाई चांस तो ठीक है, थोड़ा मदद करता है, बाकी ये टोटल अपने आप ही करते हैं। तो शुक्ला जी, पहले तो मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ये सब कैसे कर पाते हो। जी, मैं जो हूँ, सभी लोग यहाँ अनुशासित तरीके सभी लोग आते हैं, सबसे पहले सभी को लाइन में लगवाते हैं और सैनिटाइज कराते हैं, और बाहर साबुन की व्यवस्था कर रखी है, और जो भी आता है आराम से अंगूठे सबके लगवा लेते हैं, 2-2 4-4 लोगों को, और तुरंत लिख भी देते हैं और तुरंत गल्ला भी उनको दे देते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं सभी लोग। और ज़्यादा ज़्यादा औसत 2 मिनट लगता होगा एक व्यक्ति को निपटाने में, गल्ला देने में 2 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। और जो भी आता है तो संतुष्ट होकर जाता है और कभी खाली नहीं होकर जाता है, फर्स्ट बार में मुँह लग जाता है उसमें, बहुत अच्छा नहीं, ये तो खैर मैं जानता हूँ बिल्कुल, आपने तारीफ पहले ही कर चुका हूँ कि आप इतना अच्छा काम है, इतना साफ सुथरा आपका काम है यहाँ पे। अच्छा, अब आते से हम बात पे कि जो अर्निंग तो निश्चित तौर पर कम है जी, फायदा तो नहीं है कोटेदारों को, लाभ वो घाटा ही है, क्योंकि 70 पैसे कमीशन कम है, मैं इस बात को स्वयं मानता हूँ, लेकिन ये बढ़ाना है ना बढ़ाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, बट कंपनी ने आपको कुछ, जो ऑसिस कंपनी है, इस कंपनी ने आपको एक दूसरा विकल्प दिया हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा बिजली का बिल, तो उस बिल के विषय में आपका क्या विचार है और आप कितना तक कमा सकते हो, क्या करते हो, थोड़ा सा मेरे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक बार बताना। मैं उनको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब कोई बंदा करता है उनको जो बताएगा, उनके बताने का जो तरीका होता है उससे विश्वास ज्यादा किया जाता है। तो आप भी हैं, सामने मशीन भी है, तो मैं चाहूंगा कि आप मोटिवेट करें लोगों को कि वास्तव में इसमें क्या लाभ है और कितना काम करना पड़ता है, कितना वर्क। जी जी, इसमें बहुत साधारण है, जैसे कि हम एक कार्ड बांटते हैं, जैसे 4 रूट का एक कार्ड है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक कार्ड 4 रूट का, तो उसमें 20 किलो होगा जाके, और उसपे 14 रुपये कमीशन हो गया मेरा। अगर वहीं पे अगर एक बिजली का बिल जमा कर देते हैं तो लगभग जो 16 रुपये मुझे प्राप्त है, उसमें देर भी नहीं लगती है, 1 मिनट के अंदर जो है हो जाता है 16 रुपये हो जाता है। अच्छा, दोनों में काम का डिफरेंस क्या है? अरे, बिजली का बिल जमा करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी सरल है। इस महीने लगभग कम से कम मेरे पास जो है, आज 19 तारीख है, करीब 50 बिल जमा हो चुके हैं, और अभी भी शाम तक खास काफी लोग आ जाए, बोल भी किए, फोन भी किए कि हम आ रहे होंगे, और बहुत अच्छा इजी काम है और कोई दिक्कत ही नहीं होती है, और गूगल पे से या फोन पे से
और पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, फोन पे से अपने आप ही आप ट्रांसफर? हाँ, मैं अपने आप से ट्रांसफर कर लेता हूँ और कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझाना चाहूँगा अपने अपने सब्सक्राइबर्स को कि अपने आप भी आप जैसे थोड़ा सा, बहुत लोगों ने हमसे ये कहा कि उनको पैसा वॉलेट में ट्रांसफर करने में दिक्कत होती है, तो आज का ये ज़माना इंटरनेट का है। आप गूगल पे, भीम, फोन पे, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिन पर आप बड़े आसानी से पैसे इसमें ट्रांसफर कर सकते हो, और इसमें सिर्फ पैसे का काम है। जैसे कि आप शुक्ला जी, मान लीजिए 14 रुपये आपका एक बिल पे आपका बनता है, आपका राशन पे, मान हम औसत 30 किलो का एक कार्ड मान लेते हैं, तो 14 रुपये आपका ईमानदारी का बनता है। जी जी। तो उस 14 रुपये बनाने के लिए आपको मेहनत कितनी करनी पड़ती है? हाँ, मेहनत तो सब हुआ ही उसमें। राशन लाना, राशन तोड़ना, लाइन लगवाना, लोगों की गालियां खाना, गाली खाना तो जाता है, ठीक है। और उसके उलट अगर आप बिल को देखें तो बिल में किसी भी प्रकार का आपको ना गाली खानी है, और अगर सिस्टम की बात सुन लीजिए, आप पास कोई बिल रखा हुआ है क्या? निकाला? हाँ, बिल अभी भी निकाला है। अभी निकाला है। अच्छा, ये बिल है, अभी निकाला है। एक बिल है, मतलब बिल्कुल उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और बिल निकालने से पहले जो आपका उपभोक्ता, आपके जो कस्टमर है बिल जमा करने वाले, उनके अकाउंट पर तुरंत मैसेज पहुंचता है। हाँ, पहुंच गया। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो बिजली का बिल UPPCL का जो ये जो इसमें ऐप है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप पहले किसी में ट्रांसफर करोगे फिर वो विभाग वहाँ भेजेंगे, ये डायरेक्ट UPPCL एकदम डायरेक्ट, यानी हर चीज़ से ज़्यादा सटिस्फाई, यानी जितना आप जमा करो, आप किसी जन सेवा केंद्र पर जाते हो तो निश्चित तौर पर वो 5-10 रुपये आपसे ज़्यादा भी लेते होंगे, या मतलब जो उपभोक्ता से ज़्यादा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कोटेदार को कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, उसके बावजूद भी कोटेदार को लाभ होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी आपको राशन कार्ड से ज़्यादा ही आपको मिल जाएगा। अगर बड़ा बिल है उस पर आपका कमीशन ज़्यादा हो जाएगा, 10,000 का है उस पर आपको 16 नहीं, उस पर आप ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके से इसमें कोई घाटा नहीं है। और शुक्ला जी को मैंने इसलिए दिखाया यहाँ पे कि शुक्ला जी पिछले 8 दिन में, सिर्फ 8 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 50 बिल जमा कर चुके हैं। और इन्होंने ये जो शुल्क देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, इन्होंने लगा रखा है सिर्फ इसकी बदौलत। बहुत से कोटेदारों से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि लोग आते नहीं, आप इस तरीके से लगाइए, देखते हैं लोग नहीं आते हैं, आप एक दो पर्चे से लगा दीजिए, अपने आप लोग कांटेक्ट करेंगे। 8 दिन में 50 बिल जमा किए इन्होंने, उसके बावजूद भी अब इनका काम जो इसी महीने इन्होंने तेजी से किया है, और इस महीने में ही लगभग 115 बिल आपके हो। जी 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 जी। तो अब 115 बिल एक महीने में, यानी लास्ट तक कितना होगा, और ये बढ़ रहा है इनका ग्राफ, ये अगले महीने और ज़्यादा लोग आएंगे, फिर उसके महीने और ज़्यादा, यानी लगभग जितने कार्ड हैं, मेरा उम्मीद है कि जितने भी कार्ड धारक हैं उतने ही बिजली बिल बराबर सभी के साथ, क्योंकि सारे तो कार्ड धारक चुके नहीं, 20-30% गाँव में छूटते हैं, तो मेरे ख्याल जितने कार्ड धारक होंगे उतने ही बिजली के बिल होंगे। तो ये पक्का है, आप जितना कोटा से कमाओगे उससे कहीं ज़्यादा आप बिजली बिल से कमा सकते हो, और बिना कोई मेहनत करे। अब शुक्ला जी, आप बिजली बिल के लिए कहीं जाते हैं? नहीं, कहीं नहीं जाते। इस कमरे से कहीं नहीं निकलते? कहीं नहीं। लेकिन राशन के लिए आपको निकलना होगा? राशन के लिए। तो आप हमारे कोटेदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे, थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा, इस बिजली के बिल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि सभी भाई बंधु इसी प्रकार से लगे, जैसे कि मैंने अपना जो है लिखा है यहाँ पे, यहाँ बिजली के बिल जमा होते हैं और फोन नंबर लिख दिया है, ये मेरा काफ़ी हो गया। और जो भी आएगा ग्राहक हमारे पास राशन लेने के लिए, तो सबसे पहले निगाह उसी पे ही पड़ती है, तो वो जागरूक हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम पे आता है तो अपना बिजली का बिल भी साथ ले आता है। जब तक मैं अंगूठा लगाता हूँ तो बिजली बिल भी बहुत जल्दी आसानी से निकल आता है, और बहुत खुश हो जाते हैं मैं कि मेरे साथ दो काम हो चुके हैं, समय की बचत हुई, बिजली घर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा दिखा भी दूँ कि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये ऐसे ही बता रहे होंगे। देखिए इसमें लेन देन इतिहास है, इसमें देखिए, और लेन देन इतिहास में देखिए ये सारे बिल हैं, 444, 413, 2200, ये देखिए सारे बिल हैं, ये मैंने अभी सब काउंट किए, लगभग 115 बिल हैं। जी जी। तो और ये देखिए वॉलेट में भी 2800, ये 437 रुपये कमीशन शो कर रहा है, 437, और अभी 1500 रुपये मैंने इससे पहले कमीशन इनका ट्रांसफर किया है, 1500 रुपये इन्होंने ट्रांसफर कर चुके हैं, तो यानी 2000 के लगभग का इनका हो चुका है 1.5 महीने में, जबकि अभी ये पूरे तौर पर इस पर काम नहीं कर रहे। जी जी। ये आंशिक तौर पे। अच्छा, एक बात और चाहूंगा कि इसमें कोई अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं आप कोटा के अलावा? नहीं, यही है, समय वही है, समय सेम है, जो आप कोटे का समय है वही सेम है, वही लोग आते हैं वही जमा करने वाले हैं, यानी कोई अतिरिक्त समय, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, सरकार बढ़ाएगी, कब बढ़ाएगी मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन आप खुद क्या कर सकते हो, एक ऐसो ऐप, एक हमारा ऑफिस पे का और आ रहा है,
औसत पे का ऐप शुक्ला जी और आ रहा है, इसमें आप पैसा भी निकाल सकते हो ग्राहकों का, अंगूठा लगा के, ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में चल रहा है, डीटीएच रिचार्ज वगैरह सारे काम उसमें होंगे एज ए जनसेवा केंद्र। तो समस्या सबसे बड़ी क्या है कि अगर आप लोग ये काम बिजली का बिल करके दिखाओगे तभी वो आ सकता है, शुरू होगा जल्दी। मेरा यही उम्मीद है आप कुछ करके दिखाओ, क्योंकि हम कोई भी ऐप लॉन्च करते हैं हमारी टीम लगती है, एक्स्ट्रा लोग लगते हैं, अगर उसमें आप कुछ करते नहीं हो फिर कंपनी को हतोत्साहित होती है। तो मैं यही कहूँगा आप लोग बिजली का बिल जल्दी से जल्दी काम शुरू करें बिजली बिल का, और इससे ज़्यादा में लाभ आपको हमारी कंपनी जो ये जो ऑसिस कंपनी ये आपको कमाने का रास्ता जरूर सुझाएगी। तो साथियों जैसे मैंने आपको शुक्ला जी से मिलवाया, तो मैं अपने जो हमारे जो चैनल और जो हमारे लोग हैं हमारे कोटेदार हैं, अगर यूपी में किसी ने भी बेहतरीन काम किया हो तो आप अपना वीडियो हमें जरूर डालें, हम आपका वीडियो भी अपने चैनल पर जरूर शो करेंगे, और हम आपको जरूर आपके लिए कुछ गिफ्ट का भी हम इंतजाम करेंगे, जो भी छोटा मोटा हो सकता है पुरस्कार पुरस्कार होता है, तो हम एक सम्मान के स्वरूप हम अपने शुक्ला जी को भी एक सम्मान हमारे जो सिर्फ नॉलेज चैनल की तरफ से एक छोटा सा हम एक सम्मान देंगे उनको। तो इसलिए हम क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा मुझे लगता है, हमारे चैनल को लगता है, और इस तरीके से आप लोग मोटिवेट हों ये हमारी उम्मीद है। तो चलिए शुक्ला जी के लिए हमारे बहुत छोटा सा एक उपहार है, छोटा सा उपहार है शुक्ला जी के लिए। शुक्ला जी आपसे मतलब बहुत खुशी हुई, और हम सिर्फ नॉलेज चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही का कंप्लीट है।